नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। अनुदेशकों का कल निदेशालय घेरने का ऐलान, प्रशासन हुआ परेशान, रोकने के प्रयास में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। लगातार विक्रम सिंह पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं आज संयुक्त कर्मचारी परिषद की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया और इसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, यानी अब ये रोकना बेहद मुश्किल काम हो गया है। संयुक्त कर्मचारी परिषद ने सभी संगठन जो उसके साथ वर्क करते हैं सबको भेज दिया, शिक्षा निदेशक को भेज दिया और अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया और भी जो उस संगठन के आनुषांगिक संगठन है सबको इनवाइट कर दिया और इसके बाद ये घमासान मचना तय था। हमारे साथ विनय जी जुड़ चुके हैं। विनय जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और विनय कुमार जी की इसमें बड़ी भूमिका है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को लेकर जिस तरीके से शिक्षक संगठन संयुक्त कर्मचारी परिषद के साथ सबको जोड़ा है, तो ये उनकी ये मानवीय संवेदना है। और जिस तरीके से वो अनुदेशक शिक्षा मित्र का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा में ये आवाज उठती है कि इन गरीबों को न्याय कैसे मिले, कैसे इनका नियमितीकरण हो और कैसे इन्हें जोड़ा जाए और कैसे इन्हें न्याय के लिए आगे भेजा जाए। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं कि कम से कम कुछ लोग तो हैं जो इस देश के उन गरीब बेसहारा अनुदेशक शिक्षा मित्र, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक या फिर खुद के शिक्षक जो लगातार फंसते नजर आ रहे हैं, सबको लेकर मुहिम चला रहे हैं। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और साथ ही उनसे सवाल भी दागता हूं, क्या है कल की तैयारी? मिश्रा जी नमस्कार। जी नमस्कार। कल की तैयारी विक्रम जी लगे हुए हैं और हमने राज कर्मचारी महासंघ, राज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उन सबसे आज बात भी की इस विषय पे कि कल हम लोगों को पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, किस तरह से पहुंचना है। आज हमने दिन में लोगों को फोन करके इस विषय पे भी बात की। चिंता की बात आपने बताई, चिंता हम ही को नहीं, चिंता आपको भी है, सभी को है। हमसे ज्यादा चिंतित आप, जो लगातार हम लोगों को एक मंच पे लाके और डेली आप इतना समय देते हैं और यही चर्चा कर करके कि इसको किसी तरह से ये सब बातें हैं सरकार के कान तक पहुंचे, जबकि सरकार के कान तक पहुंचाने की बातें तो लगातार हर व्यक्ति कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने जी ने भी बड़ी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया और हमेशा ये स्थितियां बनी रही हैं कि जब भी आज तक का रिकॉर्ड रहा है इसमें कि विधानसभा या विधान परिषद में अगर नेता प्रतिपक्ष कोई बात उठाता है तो उसका जवाब वहां पर उपस्थित जो भी प्रेजेंट टाइम के जो पार्टी के अगर मुख्यमंत्री जी हुए या उसके प्रदेश अध्यक्ष हुए, जो भी हुआ उसको वहां देना पड़ता सदन में और उसके बारे में दो शब्द तो उनको बोलने ही पड़ते हैं कि ठीक है हम इसके ऊपर विचार करेंगे या हम इसके ऊपर देखते हैं क्या हो सकता है। और हमने ये देखा कि इतने शालीनता पूर्वक नेता प्रतिपक्ष ने माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने बात को उठाया संसद में। शिक्षा मित्रों की चिंता उन्होंने की, उन्होंने अनुदेशकों की चिंता की, शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में कहा, बच्चों को जो 1200 रुपये के खाते में भेजा जाता था इस महंगाई के जमाने में, कैसे उनको ड्रेसें बच्चों को खाते में भेजने पर नहीं पहुंच पाती हैं, उनके परिवारजन जो है उस पैसे को किसी न किसी खाद पानी में लगा देते हैं, बच्चे फिर भी ड्रेस विहीन रह जाते हैं, इन सारी स्थितियों को उन्होंने बड़े बखूबी से जो हम लोगों के दिल का दर्द था उन्होंने सदन में उठाई। मगर नेता पक्ष में या इसके गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने उसके ऊपर कोई भी एक शब्द नहीं कहा, जबकि स्थिति ठीक नहीं, कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था। इससे पहले सापा विधायक माननीय समरपाल सिंह जी ने भी इस मामले को बहुत प्रमुखता से उठाया, माननीय सदस्य विधान परिषद आशुतोष सिन्हा जी ने भी इसको बहुत मजबूती से उठाया। ये तो मामला था उत्तर प्रदेश का, क्योंकि ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों उत्तर प्रदेश से ही उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा इस मामले को सांसद माननीय इकरा हसन ने भी संसद में उठाया, यानी मामला केवल उत्तर प्रदेश का ही ना रहके ये पूरे भारतवर्ष का हो गया। तो निर्णय तो इसमें कुछ ना कुछ होना ही है आने वाले समय में। इस बीच में हमारे अनुदेशक कल्याण संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी, उनका दर्द
जो जब वो एक एक शब्द बोलते हैं तो जैसे लगता है सब छलक आएगा, सब उनके जितना भी गुबार है फूटा रहता है आपके चैनल पे, और कभी कभी उनकी बातों से कष्ट भी होता है कि कितने मतलब कितने बेबाक बात वो बोलते हैं, कितना निर्दयपन विभाग के लोगों में है कि एक शब्द नहीं बोलता है। दुनिया भर में इतना आपने जीएसटी इकट्ठा किया, इतना पैसा इकट्ठा किया, इतनी सारी स्थितियां हैं। अब तो आप ओपीएस के ऊपर भी निर्णय ले सकते हैं और इन लोगों के ऊपर भी निर्णय ले सकते हैं, ये 9,000 में काम कर रहे हैं, शिक्षा मित्र बेचारे 10,000 में काम कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कि आप इससे पहले भी हम आपको बताएं कि जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी बहुत स्थितियां खराब थी, बहुत स्थितियां खराब हो गई थी शुरू से लेकर एंड तक, मगर कभी उन्होंने ओपीएस को बंद नहीं किया था, ओपीएस आखिर तक चलती रही। और आज आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, आपके पास ये भी नहीं कह सकते कि आपके पास पैसा नहीं है कि हम कैसे दें। हाँ वो बात अलग है कि आपके सरकार के उसमें कुछ जैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर का किसी का मैसेज आया था, एक आध लोग और चापलूसी और चाट काटते बात कहते रहते कि रुपये दे दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जी जी एबी में पैसा लगाया जाता है आपके जो एनपीएस का, आपके जो पैसा है वो सब म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है और वो सेबी के माध्यम से लगाया जाता है। आज सेबी ने मांग की है कि मेरे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलवाई जाए, जो न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के पैसे के रखरखाव करके लोगों को पेंशन देने का काम करेंगे वो अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस की मांग कर रहे हैं। जब आपकी इतनी अच्छी है न्यू पेंशन स्कीम, जो आप लोगों का फंड इमेजिन करके लोगों को कई गुना फंड देंगे, पेंशन का कई गुना लाभ देंगे, फिर आपको क्यों जरूरत है? अरे आप तो पूरे देश के उन कर्मचारियों की जिम्मेदारी उठाते हैं, उनका पैसा आपके पास जमा होता है, उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड के जरिए से, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण थी आज की। मिश्रा जी ये लगता है इनको सेबी को इसका अंदाजा बहुत देर में हुआ और आज ये खबर आने का कारण भी यही है कि आज शेयर मार्केट 2000 से नीचे बहुत धड़ाम से गिरा है, 1100 करोड़ कितना नुकसान हुआ है, 17 लाख करोड़ रुपया भारत का डूबा है आज विनय सिंह जी, 17 लाख करोड़। मत दो अनुदेशक शिक्षा मित्रों को, मत दो किसी को, ऊपर वाले की लाठी। तभी सेबी को ख्याल आया कि एनपीएस नहीं, एनपीएस का पैसा तो सब रखे हुए हैं, तभी उनको ये आया कि भाई हमको हमारे लोगों को पुरानी पेंशन दी जाए, तभी तो याद आया। इतने वर्षों में आज तक याद तो ना आया, 1 अप्रैल 2005 के बाद आज क्यों याद आया? इसीलिए याद आया कि शेयर मार्केट की स्थितियां देख रहे हैं। आप सोचिए कि एनपीएस में जिस समय टीचर रिटायरमेंट के साथ होगा उसको फंड मिलना होगा और एकदम से उसी समय शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा, तो उन स्थितियों में उन कर्मचारी शिक्षकों को क्या मिलेगा? आप सोचिए कितनी विषम परिस्थितियां हैं। तो इसमें जो विक्रम जी ने आज तैयारी की है, अभी मैं रात में उनसे बात भी करूंगा और कल हम लोग उपस्थित होंगे, फिर देखते हैं इस संघर्ष का बिगुल उन्होंने बजाया है। इसके बाद शिक्षा मित्रों का मामला है, उसके बाद कल बहन जोड़ी थी कस्तूरबा गांधी की, उनका भी मामला है। कम से कम सरकार को कोई भद्द ना हो, कोई दिक्कतें ना बढ़े, तो इन लोगों ऊपर उनको निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये लोग हैं इस स्थिति में, इनके ऊपर निर्णय लिया जाना चाहिए था, पहले ही लिया जाना चाहिए था, क्योंकि 7,000 से 9,000 होने पे जो शिक्षा मित्र शहर से गांव जा रहे पर डे, उनके 200-300 रुपए का पेट्रोल लगता है गाड़ी में, तो वो जा पाते अपने गंतव्य तक, उन परिस्थितियों में बचता उनके पास क्या होगा, वो क्यों कर रहे हैं? इसी बीच उनके एक्सीडेंट होता है, इन्हीं बीच वो बीमार पड़ते हैं, तो और शिक्षा मित्रों की स्थिति है, 10,000 रुपए में आज क्या होता है? 300 रुपए पर डे के हिसाब से एक मजदूर जो हमारे यहाँ काम करने आता है उसको 500 रुपए हम देते हैं, जो मजदूरी करता है, दिन में मजदूरी करता है, बीड़ी सिगरेट जला के पीता रहता है, उगता रहता है, और शाम को 500 की नोट लेके चला जाता है। वही अनुदेशक शिक्षा मित्र वो तो उनसे भी क्या गुजरे हैं। तो इन परिस्थितियों में विभाग को सरकार को सोचना चाहिए। हमको लगता है कि जब इतना मामला उठा है, जब वो विधानसभा में उठा, विधान परिषद में उठा, संसद में उठा, तो निश्चित है कि इसके ऊपर सरकार की कोई गणित चल रही होगी, हो सकता है आने वाले समय में बातें खुल के सामने आए। मिशन हमारे साथ तारकेश्वर साई जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सीधा उन्हीं के पास पहुंच लेते हैं। साई साहब, कल की तैयारी कैसी है? कल अनुदेशकों का निदेशालय घेरने का प्रोग्राम है और प्रशासन चाहता है किसी भी हालत में इस प्रोग्राम को रुकवाया जाए, आश्वासन देके रुकवाया जाए, कुछ बहाने बना के रुकवाया जाए, किसी भी हालात में रुकवाया जाए। देखिए, ये धरना अनुदेशक संघ का है, अगर विक्रम जी अपने मुद्दे पर डटे रहेंगे तो हम लोग उनके सहयोग में मुस्तैदी से खड़े मिलेंगे।
हमारी भी विनय भाई से बात हुई है, हम लोग भी अपने शिक्षक साथियों को बोले हैं कि कल के उस घेराव कार्यक्रम में सहभाग करें और हम लोग भी उपस्थित रहेंगे। विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में मामला गूंजा खूब जुलाई के महीने में। तो सरकार निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि कुछ विचार कर रही होगी, लेकिन ये सरकार विचार कितनी करती है मिश्रा जी? 7 साल हो गए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बने, शिक्षा मित्रों का 40 से 10 कर दिया, शिक्षक बना के उनको बैक कर दिया फिर अर्श से फर्श पर, और अनुदेशकों का 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं की गई। तो ये सरकार, इससे लड़ने की ही जरूरत है, बिना लड़े ये कुछ देने वाली नहीं है, प्रेम से समझने से, समझाने से समझने वाली नहीं है। तो विक्रम जी ने जो स्टेप लिया है उचित लिया है, हमारा पूरा समर्थन है, हमारे संगठन का पूरा समर्थन, और हम लोग उनके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विनय भाई भी आएंगे, इनके संगठन के लोग भी आएंगे, हमारे संगठन के लोग भी आएंगे, और विक्रम भाई का भरपूर सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। भाई कार्यक्रम उनका है, उनको निर्धारित करना क्या करेंगे कैसे करेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। अब तक तो कोई वार्ता, अभी विक्रम जी से हमारी बात हुई है, अब तक कोई बातचीत सरकार से नहीं हो पाई इनकी। पुलिस वाले हड़का रहे हैं ऐसे कर देंगे वैसे, तो उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग विक्रम जी के साथ उनको पूरी ताकत देने का काम करेंगे, और किसी भी दमनात्मक कार्रवाई से हम लोग डिगने वाले नहीं, हटने वाले नहीं, मानने वाले नहीं। जी मिश्रा जी। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यही विनय जी कह रहे थे कि धरना या घेरना रुकना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था कि पिछले 6 वर्ष में अब तक कोई शिक्षक भर्ती का सरकार ने ऐलान नहीं किया है। विनय जी एक संगठन के नेता हैं, आप भी एक संगठन के नेता हो, क्या इन विनय जी 6 वर्षों में कोई शिक्षक रिटायर्ड नहीं हुआ होगा? क्या 6 वर्ष में लोग सेवानिवृत्त नहीं हुए होंगे? और सेवानिवृत्त हुए तो उनके खाली पदों पर कैसे सृजन हुआ? वो खाली पद जिन्हें विद्यालयों से वो चले गए तो वो कैसे भरे गए? भर्ती तो ही नहीं कोई, और कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि शिक्षक चला जाए दूसरा शिक्षक तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक और चला जाएगा। तो 6 वर्षों में सरकार ने कोई शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं किया, यानी 2017 से आंकड़ों की सर बाजीगरी की गई है। तमाम विद्यालयों को कंपोजिट विद्यालय करके उसके हेडमास्टर का 500,000 से ऊपर, ये आंकड़े नहीं, हम दूसरी और एक कमी बता रहे हैं सरकार की, उस पर ध्यान दो कि 2017 के बाद भी विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो शिक्षकों का आंकड़ा प्रस्तुत किया वही 2020 में प्रस्तुत हुआ, वही आंकड़ा 2022 में प्रस्तुत हुआ, वही आंकड़ा 2024 की विधानसभा में, कोई रिटायर नहीं हुआ अब तक। 7 वर्षों में हजारों शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए होंगे, बड़ी बात बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। इस दौरान बड़ी तादाद में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए, अब तो शिक्षा मित्र भी होने लगे, तो इस दौरान जो सेवानिवृत्त हुए उनके पद कैसे, बाजीगरी का तो खेल आपने बता दिया। मैं तो जो अधिकारी उन्हें मिनिस्टरों को डेटा देते हैं उस डेटा पर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि कहां से आए इतने शिक्षक, कि 2022 से 2024 तक कोई सेवानिवृत्त नहीं हुआ, या तो सरकार लिख के श्वेत पत्र जारी करे। मैं जानता हूं कि हर वर्ष रिटायर्ड होते हैं बड़ी तादाद में। विनय जी उसमें मंत्री कोई दोष नहीं है, मंत्री कोई दोष नहीं है, अधिकारी जो उनको डाटा देंगे वही वो समझेंगे, बाकी उससे अधिक उनको समझने की आवश्यकता भी नहीं है, चूंकि वो फुल फ्लेश मंत्री नहीं है। इसका जिम्मेदारी तो उन्हीं की, आधे अधूरे हो चाहे फुल फ्लैश हो। एक बार में भी अब तक सदन का ये रुकन रहा है इस सरकार से पहले, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई बात ताकत से रखी तो नेता सदन उस पर बोलते थे और कहते थे कि हम इस मुद्दे पर सोचेंगे जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, ये तो कह के छूटे हैं हर बार। इस बार इतनी शालीनता से पहली बार किसी नेता प्रतिपक्ष ने रखा, उन्होंने कहा हम सुझाव दे रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये समस्या उसे बताने का। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं करा के मानूंगा, मैं धरना पे बैठ जाऊंगा, मैं
पहली बार उत्तर प्रदेश का बजट बिना शोर शराबे के प्रस्तुत हुआ, विधानसभा परमानेंट चली, एक मिनट के लिए स्थगित नहीं हुई, और इससे शालीनता नेता प्रतिपक्ष क्या निभाएगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष की बात पर कोई अहमियत नहीं दी। विनय जी, मिश्रा जी, पहले जो बात आपने कही है उसके बारे में बताऊंगा कि हर वर्ष हम लखनऊ की बात बताए, लखनऊ के आसपास के जनपदों की बात बताते हैं, हर वर्ष मिनिमम 50-60 टीचर पूरे जिले में रिटायर होते हैं। तो अगर 50 से अगर मान लीजिए 75 जिले हैं तो आप खुद एक एवरेज लगाए, 50 से 30 मान लीजिए और 30 के हिसाब से पूरे प्रदेश से 75 जिले, तो आपको आंकड़ा रफली आंकड़े मुड़ी आएगा, इतने टीचर हर साल रिटायर हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं, जो हमारे लखनऊ में नगर क्षेत्र है, हर जिले में नगर क्षेत्र अलग होता है और ग्रामीण क्षेत्र जो होता है अलग होता है, नगर क्षेत्र में भी विद्यालय होते परिषद और ग्रामीण क्षेत्र में भी विद्यालय होते, अलग अलग कैडर होता है, ग्रामीण से आदमी नगर में आ नहीं सकता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से अगर टीचर नगर में आता है तो अपनी वरिष्ठता खो के आता, वो भी आज तक, जब से मैं हम लोग 17-18-19 साल से जॉब कर रहे हैं, 2009-10 में एक बार कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था कि जो शिक्षक ग्रामीण से नगर में आना चाहे आ जाए। उस समय प्राइमरी के बहुत सारे टीचर चूंकि नई नई जॉब लगी थी अपनी वरिष्ठता खोते हुए नगर क्षेत्र में आ गए थे। मगर आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि लखनऊ ऐसे सिटी में जो प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे कम से कम 55 से 60 विद्यालय नगर क्षेत्र के जो शिक्षक विहीन है, हम एकल शिक्षक नहीं कह रहे हैं, शिक्षक विहीन है, इसमें शिक्षक नहीं है, उन विद्यालयों को खोलने के लिए तो टेम्परेरी मौखिक रूप से वहां के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं नगर में, वो भेजते हैं किसी शिक्षा मित्र को, किसी शिक्षक को, कि अगर किसी विद्यालय में 3 टीचर हो भैया 2 टीचर जाके एक एक विद्यालय खोल दो। इस तरह चल रहा है। आप कितनी कितनी बार मीडिया में इस मामले को उठाया, कितनी बार कहा गया, कितनी बार उनसे सचिव स्तर से बात कही गई, हर आदमी ये कहता ठीक उसका प्रयास चल रहा है और जल्दी कोई निर्णय होगा। अरे भाई, कौन से इतनी बड़ी दिक्कत हो गई, आप दोनों कैडर को एक कर दो, ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र को एक कर दो, कौन सा आपको बहुत ज्यादा उसमें खर्चा करना पड़ेगा, जितना चाहे शहर मिलता उतने ग्रामीण मिलता है, तो आप दोनों कैडर को एक कर दो। जब एक कर दोगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां टीचर से ज्यादा होते शहर में आ जाएंगे, और कैडर एक होने से वो वरिष्ठता भी नहीं खोएंगे। तो इसके ऊपर खुद आप देखिए, जो आप इसकी बात बता रहे हैं, दूसरा आपने बताया कि बहुत सारे इन्होंने एक नीति लाई, जिसे साहिल जी ने बोला कि ये पदों को समाप्त, बात सही है, और वो दिक्कत हम लोग की नहीं है, वो दिक्कत जो हमारे पूर्व संगठन है, जो जाके सबसे पहले जाके एक जने भाग गए थे मोर्चा छोड़ के, एक जने उससे पहले जाके मैनेज किया, इन लोगों की देन थी। इन लोगों को वार्ता के लिए बुलाया गया था सचिव परिषद स्तर पे और उनको समझ में नहीं बात आई। उन्होंने कहा एक कैंपस में जो 2 विद्यालय प्राइमरी जूनियर, उनको हम बेसिक कर देते हैं और पूरा विद्यालय एक साथ चलेगा, और ये लोग खुशी खुशी जो वहां पर प्रस्ताव हुआ उसमें ये लोग सिग्नेचर करके चले आए। जब आए तो बड़ी एक नेता ने बड़ी बड़ी पोस्ट जो है उसके ऊपर लिखी फेसबुक पे, हमारे महामंत्री ने उस पोस्ट को पढ़ा तो उन्होंने कहा भाई ये आप करें क्या। उन्होंने लिखा मेरा परिवार बढ़ा, जूनियर के नेता थे, उन्होंने कहा मेरा परिवार बढ़ गया, यानी बेसिक और प्राइमरी को मिला दिया गया तो उनकी संख्या बढ़ गई। तो बाद में जब हमारे महामंत्री ने बात लिखी कि आप तो सब बेच के चले, आप तो सब पदों को खत्म कर दिया, तो उन्होंने अपने पोस्ट को फेसबुक से डिलीट मारा। यानी कि एक कैंपस में प्राइमरी अलग चल रहा, जूनियर अलग चल रहा, प्राइमरी का हेडमास्टर अलग है, जूनियर हेडमास्टर अलग है। जब आप दोनों को एक कर दोगे तो केवल एक हेडमास्टर रहेगा, एक हेडमास्टर पद खत्म हो जाएगा। तो इन परिस्थिति में कम से कम 200 हेडमास्टर के लगभग पद लखनऊ में खत्म हुए। इसी तरह पूरे प्रदेश में बहुत सारे पदों को खत्म करने का प्रयास किया गया। तो मिश्र ये स्थितियां हैं, और ये एक उनको लिखा पढ़ी डाटा मिल जाता, नीचे वाले भेज देते हैं बाबू लोग, वहां वो बाबू लोग डाटा बनाते हैं हर जिले के, वो जाता है बीएसए के पास, बीएसए उसको भेजता है सचिव परिषद के पास, और सचिव परिषद जब कोई वहां पे सदन में कोई प्रश्न लगता होता तो वही डाटा वो पढ़ के सुना देते हैं, वो शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी वही डाटा पढ़ के सदन में सुना देते हैं। ये स्थितियां हैं, उसको कभी ये नहीं देखा जाता कि इस डाटा में कोई परिवर्तन हुआ, पहले मैंने ये डाटा किया था, दोबारा डाटा ये आया, संख्या लगातार बनी है, टीचर यही दिखाए टीचर एक्सेस में है। जबकि हकीकत यह है कि आप खुद देखिए कि यहाँ पे लखनऊ में एक ब्लॉक है मॉल नॉनचारे, आपको बताओ तमाम ऐसे कई ऐसे विद्यालय जो केवल एक शिक्षक के सहारे चले, जूनियर विद्यालय जहां पे चाहे 20 बच्चों की संख्या हो चाहे 30 बच्चों की संख्या हो, कम से कम जूनियर विद्यालय में 3 शिक्षक हर हाल में होने चाहिए, तब उसकी पढ़ाई हो सकती है, विज्ञान का अलग, गणित का अलग, सामान्य उसका अलग, मगर एक शिक्षक के सहारे विद्यालय चल रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं, कई विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे हैं। नगर क्षेत्र की आपको बताइए 60-60 विद्यालय खाली पड़े हैं,
और आपके उसमें डाटा में यही जाता है शिक्षक कम नहीं शिक्षक बहुत है। तो ये हाल है निशा जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तो राजी माने। मेरे आंकड़ों पर चलती सरकार, और आंकड़े यहां नहीं, आंकड़े पूरे देश में। आज आप खुद ही बता रहे थे, हमने आपको बताया, पूरा देश आज भरभरा कर बैठ गया। 17 लाख करोड़ रुपया भारत का एक दिन में लुट गया, देखते ही देखते शेयर बाजार टूटा, त्राय त्राय मच गई। और ये भारत की नहीं, पूरी इंटरनेशनल मार्केट टूट रही है। और जिसकी चर्चा हम अपने प्रोग्राम में करते हैं, भाईचारा बनाओ, ये उसकी देन है। सिंह साहब, विश्व युद्ध की परिकल्पना मात्र से पूरे मार्केट में खलबली मची हुई है। जो कारपोर्ट जगत का बड़े फंडर थे वो पैसे निकाल के भाग रहे हैं मार्केट से। उन्हें पता है अब बिगुल फूक चुका है। इजराइल किसी को मार दे, रूस यूक्रेन को मार दे, ईरान इराक पर, अफगानिस्तान की सरकार अपदस्त हो जाए। आप देख रहे हैं पिछले एक वर्ष में भारत के सभी पड़ोसी देशों की सरकारें अपदस्त हो गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, आज बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भाग के भारत भाग आई है, हमारे गाजियाबाद में उतरी है। यही बात मैं बता रहा था आपको। लोग आवास में घुस गए हैं। जब जनता, मैं आपको फिर बार बार कहता हूं, ये नेता दम्भी अहंकारी नेता, जनता इन्हें जब तक स्वीकार करती है तब तक करती है। और जिस दिन जनता अपनी सी पे आती है फिर मरने मारने को नहीं डरती है। फिर कितने मरेंगे वो इसको भी नहीं डरती है, बरसों देखा है आपने। फिर झोला लेके निकलना पड़ता, अपना अपना झोला लेना पड़ता है। आज शेख हसीना ने सोचा था कि हमें ये नौबत आएगी भाई, 300 में से 200 सीटें जिसने मेजोरिटी में पाई हो लोकसभा की, उसमें क्या कमी है? और वो प्राइम मिनिस्टर अपनी जान की गुहार लगा रही है कि अब हम कहां जाएं। आवास में लोग मस्ती कर रहे हैं, लड़के घुस गए। कोई देश उसको कोई देश लेने को तैयार नहीं, इंग्लैंड ने मना कर दिया है। अब वो सोचे जाए तो जाए कहा? भारत से संधि के तहत उनका काम है कि अगर वहां की सरकार मांगेगी तो वापस देना पड़ेगा। मैं कई चीजें देखता हूं। विनय सिंह जी, इतनी वहापो मची है पूरे विश्व में, और हम आज फिर वक्फ बोर्ड की जमीन खाली कराएंगे, मतलब हिंदू मुसलमान गरम बना रहे। शिक्षा मित्र भूखा मरता मर जाए, नजूल की भूमि मुख्यमंत्री जी कराएंगे खाली, तो प्रधानमंत्री जी को लगा कहीं योगी आदित्यनाथ हिंदू आइकॉन न बन जाए, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड पर बिल ले आए। यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने वो बिल रोक दिया। कोई बिल इस बात का नहीं लाया कि शिक्षा मित्र अनुदेशक भूख से मरा जा रहा है, शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी से पीड़ित है, उसकी जान चली जाएगी। मैं तो हैरान था, जिस दिन शुरू हुई उसी दिन दो शिक्षक पति पत्नी दोनों कुचल गए। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। आपकी ऑनलाइन हाजिरी चले या ना चले, वो तो चले गए। कैसे उनका परिवार चलेगा इसकी किसी को पता चिंता नहीं है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि सब बातें पता है सरकार को, लेकिन बात नहीं पता है। तो ये नहीं पता है कि शिक्षा मित्र का 9000 में कैसे अनुदेशक का परिवार चलता होगा, 10000 में शिक्षा मित्र को, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की टीचरें कैसे वक्त काटती होंगी, और शिक्षक कैसे ऑनलाइन हाजिरी देगा, इसकी किसी को पता नहीं है। बाकी सारे काम पता है। आज एक टीएमसी की सांसद ने बड़ी अच्छी बात की, उसने सदन में मुद्दा उठाया, उसने सदन में लोकसभा में कहा चाय से हम गाय तक आ गए और विकास की मौसी रास्ता भटक गई। अब ये बातें सदन में हो रही हैं, हैरान कर देने वाली। सिंह साहब क्या कहोगे अगर सदन में ये बातें हो कि विकास की मौसी भटक गई, अब कहीं विकास उस सांसद के खिलाफ कोर्ट में चला जाए मानहानि का दावा लेके कि मेरी मौसी को क्यों सदन से भटका दिया। भाई विकास की मौसी का क्या सदन से लेना देना था, लेकिन सबका साथ सबका विकास, विकास को भारी पड़ रहा है। अब सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचेंगे, कल क्या प्रोग्राम है और आज कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट में आपकी क्या सुनवाई गई, दोनों सवाल है सीधे विक्रम सिंह से। कल के धरने की क्या है तैयारी, और कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट के इलाहाबाद में क्या आया मामला सामने? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार।
और आदरणीय साई जी, आदरणीय विनय सर को भी कोटि कोटि प्रणाम, और पैनल में जुड़े हुए और भी साथियों को सादर प्रणाम। जी सर, पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से अनुदेशक निकलना प्रारंभ कर चुके हैं और कल पूरा परियोजना कार्यालय घेराव का कार्यक्रम होना है। पूरा अनुदेशकों ने मन बना लिया है और सबसे बड़ी बात है आदरणीय साई जी का, आदरणीय विनय सर का, आदरणीय मनोज सर, आप सभी लोगों का भी समर्थन है। और S4 संयुक्त संघर्ष संचालन समिति, जिसमें आदरणीय विनय सर उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और तो उनका भी समर्थन है पूरा। उनका भी पत्र कल जारी सर का जोड़ना था, आज तो उन्हें उनसे बात करनी थी, आर के निगम सर से। जी विक्रम सिंह जी, सर उनका पत्र कल जारी हुआ, आदरणीय आर के निगम सर मिश्रा जी पत्र जारी। मिश्रा जी, और मिश्रा जी मैं उनको लिंक भेजता हूँ, निगम जी को फोन करता हूँ, हो सकता हूँ जुड़े भी, मैं करता हूँ। ठीक है ठीक है। विक्रम सिंह, तो S4 के सभी घटक संगठनों को आदरणीय निगम सर ने और पूरी कार्यकारिणी ने कल के कार्यक्रम के लिए सहयोग समर्थन की बात कही है, तो हम बहुत बहुत आभारी हैं। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 के आदरणीय साई जी का भी फोन आया था, आदरणीय मनोज राय सर का भी फोन आया था, तो सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। हमने संयुक्त मोर्चा के भी में भी ये डाला था और उनसे भी सहयोग और समर्थन मांगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उसमें सारे जो जिम्मेदार लोग हैं जुड़े थे, लेकिन किसी ने मेरे उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। हाँ की बात तो छोड़ दीजिए, ना भी किसी ने नहीं बोला, ना किसी ने उस पे मतलब कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि उसमें सारे लोग जुड़े हैं। जो संगठन बना था संयुक्त मोर्चा, शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जो बना था, उसकी जो सभी पदाधिकारियों की एक टीम है, कोर टीम है, उस कोर ग्रुप पे भी मैंने वो डाला था। फिर जो सभी लोग जुड़े हैं उसमें भी मैंने डाला था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए किसी ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी ने उस पर एक शब्द लिखना भी मुनासिब नहीं समझा। तो खैर कोई बात नहीं, वो अटल जी की एक कविता है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही, और हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जिन साथियों ने, जिन अग्रजों ने समर्थन दिया है उन सभी का बहुत बहुत आभार, और जिन लोगों ने समर्थन नहीं दिया उनका तो विशेष आभार, उनका विशेष आभार है। जी सर, और आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कही, तो चूंकि पहले दुर्गा शंकर मिश्रा जी थे मुख्य सचिव और हम आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी आ गए हैं, तो ये प्रक्रिया लोगों ने दुर्गा शंकर मिश्रा जी को पार्टी बनाया था। अब चूंकि मनोज कुमार मिश्रा सर आ गए हैं, मनोज कुमार सिंह जी आ गए हैं, तो पार्टी का परिवर्तन होता है, उसमें चेंजिंग के लिए हम लोगों ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी, तो आज उसी के नाम पर कोई बहुत कार्यक्रम मतलब इसमें हो नहीं पाया। अब आज बदलाव वाली काम हुआ, अब वो बदल जाएगा और आगे फिर इस पे सुनवाई होगा, तो मुख्य सचिव का जो पद है उसके बदलने के कारण आज एक डेट जो है उसमें चली गई, तो अगली डेट जब लगेगी उसमें फिर सुनवाई होगी। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं, और लगातार हम इस सब चीजों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। साही साहब, आखिर संयुक्त मोर्चा बना क्यों था? केवल अटेंडेंस का मामला दबाने के लिए या फिर शिक्षा मित्र अनुदेशक की मदद करने के लिए? मेरा सीधा सवाल है आपसे। अब उसका मतलब, अब संयुक्त मोर्चा का जो मतलब था, लगता तो यही है कि किसी तरह से टैबलेट का मामला ठंडे बस्ते में चला जाए बस, बाकी तो लोगों को जोड़कर, लोगों को बरगलाकर कुनबा बढ़ाया गया, और जब लड़ने की बारी आई तो मामला टाइटिस हो गया। अगर आगे कोई लड़ना चाहता है, जिसे विक्रम जी लड़ना चाहते हैं,
तो उनको समर्थन देने में संयुक्त मोर्चा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई आपसे संख्या नहीं मांग रहे, आपका समर्थन मांग रहे, आपका नैतिक समर्थन मांग रहे, आप सशरीर वहां उपस्थित हो जाइएगा, यही कह रहे हैं। उसमें भी देखिए वही बात कहूंगा तो लोग कहेंगे कह रहे हैं, कमजोरी जिसके अंदर मिश्रा जी होगी वो फेस नहीं कर पाता, वो न कभी लड़ा है न कभी लड़ेगा, लेकिन लोगों ने विश्वास किया। ऐसा नहीं है कि टैबलेट का जिन फिर बोतल से बाहर नहीं आएगा, फिर बोतल से बाहर आएगा और तब देखा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा को विक्रम जी के कार्यक्रम को समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि विक्रम जी संयुक्त मोर्चा के अंग हैं, इनका संगठन उसमें सम्मिलित है। अगर संयुक्त मोर्चा ने इनकी नोटिस का संज्ञान नहीं लिया है तो निहायत रूप से निंदनीय कार्य है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। विनय जी आ गए हैं, शायद निगम जी से बात हुई हो आपकी? नहीं, बात नहीं हो पाई, दो बार मैंने फोन किया उठाने, मैंने उनको भेज दिया है कि जुड़े इसमें, अगर वो देख लेंगे समय से तो सत्ता ऐड हो जाए। बात पूरी करिए साईं जी, यही सब है मिश्रा जी, यही सब बातें हैं जिनमें नैतिक बल नहीं होगा, आत्मबल नहीं होगा, वह कहीं किसी से न लड़ सकता है न किसी के का साथ दे सकता है, बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और जो भी कालिमा है उसको धुलने के लिए किया गया संयुक्त मोर्चा बनाकर, और वक्त आने पर हम सब ने देखा कि उन लोगों ने क्या किया। तो ऐसे लोगों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, और लड़ाई अपने बूते होती है, अपने बल पर होती है, अपने बाहुबल पर होती है, किसी के भरोसे लड़ाई नहीं। विक्रम जी ने साहसिक निर्णय लिया है, इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, और निश्चित रूप से आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपके अपने पले भाई जुड़े, आपके निर्देशक साथी जुड़े, हम सब आपको संबल प्रदान करने का काम करेंगे। जी मिश्रा जी, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, संबल प्रदान तो तभी किया जाएगा जब आप संबल के काबिल हो, संबल तभी आपके साथ कोई जुड़ेगा, कोई संगठन आएगा, कोई बात कहेगा, जब लोग जुड़ते चले जाएंगे। कारमा तभी बनता है, छोटा हो या बड़ा हो, लोग जुड़ते हैं तो कारमा बढ़ता है। आज चाहे विक्रम सिंह हो, हम हो या आप हो, मैंने ये मुहिम चलाई कि सभी शिक्षक संगठन एक मंच पर लाए जाएं। आज काफी हद तक इस पर कामयाबी मिली, कई संगठन इकट्ठे आए, सबने फायदा भी उठाया। विनय सिंह जी बैठे, आप भी बैठे, कौन ओल्ड पेंशन पर चर्चा कर रहा था सिंगल एक आदमी के अलावा, आप बताइए। अगर चर्चा मीडिया में इतनी हाईलाइट हो जाती तो आप निश्चित मानिए कि बवाल आ जाता, सैलाब आ जाता, लेकिन लोग सरकार से सवाल करने का मौका लेना नहीं चाहते, क्यों विरोध करें। तो अनिरुद्ध मिश्रा आज फिर है हमारे साथ केजीबीवी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के। अनिरुद्ध जी एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब जुड़ो उसमें रहो, जब तुम्हें नहीं जुड़ना है तो क्विक कर जाओ, क्योंकि कैमरा ऑफ करके मत बैठिए, बहुत लोग देखते हैं तो ब्लैंक स्क्रीन से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहे तो आप क्विक कर जाओ, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समाचार लोग देखते हैं तो ये कोई गूगल मीट नहीं चल रही है कि आप अपना कैमरा ऑफ कर लो फिर हमारी बात चलती रहेगी, हम करते रहे, वो सब नहीं चलता। अनिरुद्ध जी कल विक्रम सिंह का धरना है तो क्या केजीबीवी के लोग भी धरने में जाएंगे निदेशालय घेरने? सर कस्तूरबा वालों को आज तक हम यही नहीं जान पाए कि हम भी अनुदेशक और शिक्षा मित्र के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं, क्योंकि ना कभी कस्तूरबा वालों का नाम लिया गया, ना आपके चैनल पे, ना कभी विक्रम सिंह जी के मुंह के द्वारा। हम लोगों का जो है
खुद ही संगठन में इतना जो है विरोधाभास है कि कोई निकल के नहीं आना चाहता है। शोषण की जब बात आती है सर, तो हम लोगों का शोषण 2020 से हो रहा है। प्रेरणा पोर्टल का विरोध अब शुरू हुआ है, हम लोग 2020 से प्रेरणा पोर्टल पर अटेंडेंस दे रहे हैं और मात्र 5500 के मानदेय में अपने मोबाइल को रिचार्ज करा के उसके बाद जो है अपने आप सेल्फी देते हैं सुबह शाम रात में। हम लोगों का जितना शोषण हो रहा है उतना किसी का शोषण नहीं हो रहा, और विक्रम सिंह जी का हम साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे संगठन के लोग कल शामिल भी होंगे, लेकिन कभी विक्रम सिंह जी ने कभी नाम नहीं लिया कस्तूरबा वालों का। इस बात का हमें बहुत मलाल है और दुख है। क्या कस्तूरबा में केवल जो है बड़े पद वाले जो ही नौकरी करने के लायक हैं? कोई आवाज फोर्थ क्लास कर्मचारियों का क्यों नहीं उठा रहा? सर गलत बात मत करिए, जब जानकारी नहीं है आपको तो इस तरह डिबेट में बात नहीं रखनी चाहिए। आपको जानकारी ना हो तो इस प्रकार डिबेट में बात नहीं। नहीं जानकारी है सर, आप पहले जानकारी इकट्ठा करिए। जानकारी है, जानकारी नहीं है, प्लीज एक मिनट सुनिए। आपको जानकारी नहीं है, आपकी अध्यक्ष यास्मीन जी हैं। जी जी यास्मीन जी तो कह रहे थे, यास्मीन जी के लोग आपसे जुड़े हैं जी जी। अरे मेरे बात सुनिए, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है और मैं अभी एक आरोप लगा दूंगा। हम लोग इसके पीछे आपके भी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है सर। जो प्राथमिक जी एक मिनट सर, सुन लीजिए सर, अपर मुख से छोटे शिक्षा थे इनका 3 से 4 साल होगा तैयार 8000 से, लेकिन आज जो आप प्रकार की बात कर रहे हैं अपने यास्मीन आपके रिसीव कराया है, तो आपको जानकारी नहीं है सर। पहले जानकारी करिए, प्रकार की बात करिए। उन्होंने ही सर बताया है, जानकारी दिया है, तभी तो जानकारी हुआ है कल क्या है कैसे प्रोग्राम है। और हम लोग आपके साथ हैं, बात नहीं कर रहे हैं। जो कहते हैं कस्तूरबा वालों के बारे में ना कहते, मैं उसके बारे में कर रहा हूँ। हम अपने शोषण की बात कर रहे हैं। कोई घर से निकलना नहीं चाहता, जो भी प्रयोग भाई सर बोलने देंगे, सर बोलने दीजिए सर। जो प्रयोग प्राथमिक पे होता है वो फेल हो जाता है, वो कस्तूरबा पे लागू हो जाता है। हम लोग 2020 से प्रेरणा पोर्टल पे सेल्फी दे रहे हैं, आखिर हम लोगों का शोषण इतना क्यों किया जा रहा है इतना कम मानदेय में? हमारे बारे में कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा? आपके चैनल से जब से जुड़ने लगे हैं लोग कस्तूरबा का नाम जानने लगे हैं। इसके पहले लोगों को कस्तूरबा का नाम नहीं मालूम था कि कस्तूरबा वाले हैं कौन। और सरकार कितना, अरे अनिरुद्ध जी हम सबकी पहचान कराते हैं, लोग हमें ही भूल जाते हैं, हम पर ही दाव लगाना शुरू कर देते हैं। शिक्षा मित्रों की आवाज उठा रहे हैं, आज शिक्षा मित्र के ग्रुप में एक वो शेयर किया हुआ था। नहीं आपने सर तीनों लोगों की इकट्ठा करके आवाज उठाई, मुझे लगता है या तो वो मूर्ख शिक्षा मित्र होगा, वो लिख रहा है कि यूट्यूबर अपना कमाई खा रहे हैं। क्या किसी से हमने कभी कुछ कहा सार्वजनिक? क्या कमाई दे जाओगे, क्या दे जाओगे और क्या झटके झेल लोगे? 10,000 मिल जाते हैं तो कोई 2 रुपया देने वाला नहीं होता है। अनिरुद्ध जी सर, विभाग एक दिन के लिए मर जाए अगर हमारा साथी कोई कर्मचारी, विभाग कंडोलेंस नहीं करता है। ये दुर्दशा है कि विभाग जो है एक सांत्वना पत्र नहीं दे रहा है कि आप मर गए तो आपको कफन का पैसा विभाग से दिया जा रहा है। क्यों इतना शोषण किया जा रहा है? क्या हम लोग नागरिक नहीं है? क्यों दुर्व्यवहार इतना किया जा रहा है हम लोगों के साथ? मिश्रा जी हिंदू राष्ट्र में नहीं रहते हो जी? हिंदू राष्ट्र में नहीं रहते हो? अरे राष्ट्र में है, वोट देते हैं, तभी तो हम बता रहे हैं सर। हम एक थोड़ा उधी में बोले, अरे सर थोड़ा एक उधी में बोलेंगे।
जिन्हें वोट दे रहे हैं वो आपके साथ ठीक व्यवहार कर रहे हैं। जब सरकार ठीक व्यवहार तो वो ठीक काम कर रही है। एक मिनट सर, सर जब हम लोगों को पुरुष के मामले में बाहर निकाला जाता है और हम कोर्ट जाते हैं इतने कम पैसे में और हमारे जगह पे पुरुष होमगार्ड को नियुक्ति दे दी जाती है, ये कहाँ का न्याय है? हम कोर्ट जाते हैं, स्टे लाते हैं, फिर नौकरी करते हैं इस 5500 में, कितना शोषण करेंगे? एक देहाती कहावत है सर, सुन लीजिएगा, कि जो है जनता जो है हर डूब हो जतरे चरव वतरे हरियाए, इसको जितने नेता आए हैं सब चरी हैं और ये हरियावे करी हैं। ये लिए जो है ये जनता का कोई सुधार ना सकत सा है। और सर हम कोशिश यही करेंगे कि कल सुबह हम भी पहुंचे और विक्रम सर जी का जो संदेह है वो हम दूर करें, और हम यही चाहते हैं कि कस्तूरबा वालों का भी किसी तरह से भला हो जाए। यहाँ लोग ऐसे सोए पड़े हैं कि 18-18 साल हो गया, रिटायर हो गए, कुछ भगवान के घर चले गए रिटायर होकर के, कुछ अपने घर चले गए। हम लोगों के बारे में कभी सोचा जाएगा क्या? कस्तूरबा में गांधी शब्द लगा होने के नाते इसका उत्थान नहीं हो रहा है? अगर सरकारें यही सोचने लगेंगी, दुर्भावनाग्रस्त व्यवहार से अप्रेस आएंगी, तो आने वाले समय में क्या अटल आवासीय योजना अगर सरकार बदलती है तो क्या विद्यालय बंद कर दिया जाएगा? क्यों इतना दुर्भावनाग्रस्त होकर के काम किया जा रहा है? क्या कस्तूरबा में कर्मचारी नहीं है? क्या उनके परिवार नहीं है? हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि चपरासी, चौकीदार, रसोइया, इन तीनों का मानदेय रजिस्टर से दिया जाए। ये ना मोबाइल खरीदने में सक्षम है, ना हर माह रिचार्ज कराने में सक्षम है। आखिर इतने कम मानदेय में इतना शोषण क्यों किया जा रहा है? हम ज्यादा नहीं अब बोलेंगे, बस इसी बातों के साथ धन्यवाद। आज क्या बात है विनय सिंह जी, अभी आपने तेवर देखे। आम आदमी सिर्फ इसलिए परेशान होता है कि मुद्दे की बात नहीं करता, वो कहता हम तेरी टांग खींच लेंगे, हम तेरी टांग खींच लेंगे, लेकिन करेंगे भाई जो हमारी समझ में आएगा। और सरकारें ये समझ लेती हैं तो कभी तो वजन फेंक देती हैं फला संगठन पे, कभी फला संगठन पे, कभी फला उस पर, कभी उस पर। और उन्हें लगता है कि हम एक ऐसा पॉइंट पकड़ लें, कान का एक ऐसा पॉइंट पकड़ लें, पूरा कान दर्द करे, चीखेगा। मिश्रा जी ये लेफ्ट हो गए, मैं इनसे पूछते एक बात कि तेवर तो आपने दिखा अभी है, मैंने डाउन कर दिया। हाँ हाँ, तो इनसे मैं ये पूछता कि आप नेता हो, क्या आज तक आप किसी भी प्रदेश, किसी भी संगठन से आप अपनी मदद लेने के अपना पैड लेके पहुंचे? क्या आपने कभी शिक्षकों के संगठनों से, कर्मचारियों के संगठनों से, राज कर्मचारी महासंघ, हर व्यक्ति पहुंच उनसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो रसोईया हो, रसोईया तो इनसे भी बहुत नीचे है, रसोईयों का पूरा संगठन राज कर्मचारी परिषद से जुड़ा हुआ है, राज कर्मचारी महासंघ से जुड़ा हुआ है, तो ये आखिर कहां दिखाई पड़ रहा है? एक हम लोग साथ एसपोर में एक उर्दू कौमी एकता का जो पूरा राष्ट्रीय स्तर का है वो भी हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, मगर इन लोगों का आज तक कभी कोई बात हम लोगों के सामने नहीं आई। हाँ ये जरूर जानता हूँ कि लोग जो दिक्कतें थी, कुछ दिक्कतें हमारे सामने आई, मैंने आपको बताया भी था लखनऊ में एक स्कैंडल ऐसा चल रहा था कि लोगों का 1.25 लाख रुपए का हर माह जो बच्चों के लिए खाना और जितना व्यवस्था होती थी वो 1.25 लाख जाता था, 30-35-40 हजार का बिल पे उनसे ज्यादा सिग्नेचर कराए जाते थे, तो उसकी लड़ाई मैंने लड़ी थी और यहाँ के कुछ वार्डन थे उनको लाभ भी मिला था, उसके लिए मैं खुल के सामने आया था। मगर जब कोई बात सामने आएगी, जब ये अपना पैड लिख के किसी को देंगे, भैया हम भी हैं संगठन में, मैं भी इसका नेतृत्व कर रहा हूं, हमारे साथ भी शोषण हो रहा है, हमको भी अपने साथ शामिल कीजिए और हमारी भी लड़ाई आप लड़िए, केवल चैनल पर आके बोल के कह देने से कोई बातें हल नहीं होती है। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना कि विक्रम सिंह नहीं कर रहे, विनय सिंह नहीं कर रहे, तारकिशोर शाही नहीं कर, अरे आपने क्या किया भाई? आज तक आपका हम लोग कॉन्टेक्ट में आए, कभी आपने हमारे या किसी भी संगठन को आपने लिख के दिया कि भाई हमारे को भी अपने साथ संबद्ध कर लीजिए, हमारी लड़ाई भी आप लोग लड़िए, हमारे साथी बहुत कमजोर, नहीं किया। जबकि चर्चा की बात है, डिबेट में कई कई बार इनकी चर्चा मैंने स्वयं की, वो जो महिला जुड़ी थी उसके मैंने बताया उनके साथ कितनी दिक्कतें हो रही, किस तरह का समूह है, मैंने तीनों लोगों के बारे में बताया, शिक्षा मित्रों की क्या स्थितियां हैं, जो अनुदेशक उनकी क्या स्थितियां हैं, और केजीबी की जो ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जो वार्डन होते हैं या जो 2400 घंटे ड्यूटी करते हैं, इनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
मैंने खुद कितनी चर्चा की, आपके चैनल में चर्चा की, एक आध चैनल में और जुड़ा था वहां मैंने चर्चा की, मगर केवल इल्जाम लगा देना, इल्जाम लगा के पल्ला झाड़ देना, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अरे आप जुड़े हो, आपके यहाँ कहना चाहिए कि जैसे विक्रम जी को हम लोगों ने जोड़ा, आपके प्रयास से आपने कहा इनको ऐड कीजिए, अरे आप भी कस्तूरबा गांधी के थे, आप भी आते, पत्र देते, मैं प्रयास करता, S4 में ही जुड़ते, S4 में जुड़ते, कम से कम उस पैड के द्वारा आपकी कुछ समस्याएं शासन को भेजी तो जाती, शासन को भी लगता, सरकार को भी लगता, कस्तूरबा गांधी अकेले नहीं है, इनके साथ शिक्षक कर्मचारी का भी संघ, इनके साथ राज कर्मचारियों का भी संघ है, कुछ तो आपने नहीं किया, आज के सीधे सीधे इल्जाम लगाने लगे, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप अपनी समस्या बताओ, जब मिश्रा जी आप इतना वर्क कर रहे हो, आप अपना 1.5 घंटे दे रहे हो हम लोगों के लिए, इसमें हकीकत आपको नहीं मिलता कुछ, और उसकी मैं उस शिक्षा मित्र की मैं बहुत भत्सना करता हूँ जिसने इस तरह के कमेंट्स लिखे, उसको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही शिक्षा मित्रों की वजह से, ऐसे ही लोगों की वजह से ये दिक्कतें पड़ रही, जिनको ये भी नहीं मालूम है कि किस तरह लड़ाई, किस तरह लोग परेशान है, किस तरह उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, किस तरह सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा, बस कलम उठाई, चाटी अच्छा टाइप किए और लिख के गायब हो गए। यही हकीकत है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर, बहुत नजदीक की बात बता रहा हूं, हर घर में, हर परिवार में, हर संगठन में, हर जगह आप देखिए, एक ना एक वहां पे व्यक्ति ऐसा होगा कि जो बिल्कुल शकुनी का काम करेगा, लड़ाने का काम करेगा, हर परिवार में आप देखिए। तो वही हाल संगठन में है, वही हाल बड़े बड़े उसमें, कि एक दो लोग ऐसे होंगे कि जो आपको अच्छा करते नहीं देख पाएंगे, टांग खींचेंगे, और जो शिक्षा मित्र लिखा है तो उसके लिए कोई पैसे कोई वक्त नहीं, अगर पैसे की वक्त होती तो इस तरह के शब्द ना लिखता, क्योंकि उसको पैसे से मजबूत होगा, उसको खेतीबाड़ी अच्छी होगी, इसलिए देखा होगा ये दो लाइन लिख के चले गए होंगे, उसका कोई औचित्य नहीं है, यह हकीकत है, क्योंकि वास्तव में शिक्षा मित्र या अंदेशक परेशान है, वो अपनी पीड़ा लिखेगा, इस तरह की बातें नहीं लिखेगा कि यूट्यूबर है कमाई करते हूं। मैं फिर बता रहा हूं कि मैं उसकी भत्सना करता हूं जिसने इस तरह की बातें लिखी है। कस्तूरबा गांधी का जो शोषण की बात है, अगर हमारी बात तो सुन रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि वो आगे आवे और जुड़ना चाहे हम लोग साथ, मैं बात करता हूं, जुड़े एक संगठन, कुछ कई संगठन मिलके, जिसमें रसोईयां भी जुड़ी हैं, जिसमें शिक्षा मित्र भी जुड़े हैं, जिसमें अंदेशक भी जुड़े हैं, जिसमें सिविल हॉस्पिटल इसके लोग जुड़े हैं, इसमें होमगार्ड जुड़े हैं, अरे आप भी जुड़ो, हो सकता है हम लोग प्रयास करें, कभी कोई स्थिति आएंगी, कुछ वार्ता की स्थितियां बनेंगी तो आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, मगर इस तरह अकेले पढ़ के इस तरह की बातें करना वो ठीक नहीं है। और जहां तक इसकी बात है, कल हम लोग विक्रम जी के उसमें रहेंगे और प्रयास करता हूं कि देखते कल की स्थितियां क्या होती है, कि लाठीचार्ज होता है, कि गिरफ्तारी होती है, या सरकार बुला के कुछ वार्ता करने के लिए तैयार करती है, विभाग के लोग जो होते हैं बेसिक के अधिकारी हमारे हैं। देखिए होता क्या है, आपने घेराव किया, आप बैठे, चारों तरफ पुलिस लगा दी गई, मीडिया गई, उसके बाद होना क्या होता है कि एक आखिरी बात उछलती है, वो वार्ता पे ही आती है। अब वार्ता पे आप अपनी बात को कितनी मजबूती से उन अधिकारियों के सम्मुख रख सके और उनकी जो फंसाने वाला कुचक्र है उससे बचते हुए अपनी बात को आप जितनी मजबूती से रख सकेंगे, वही इसका रिजल्ट होता है। तो इन परिस्थितियों में कल हम लोग देखेंगे विक्रम जी क्या स्थितियां बनती हैं, क्या लाठी चार्ज करके भगा दिया जाता है, या वार्ता की स्थिति बनती है, या घेराव बना रहता, वो तो हमारी जो संख्या है उस संख्या पर निर्भर करेगा कि भाई ठीक है आप लाठी चलानी है, आप बद करो, हम लोग लाठी खाने को तैयार है, आप जितना लाठी मारोगे उतने मीडिया में छपेगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको मोहरा बनाएगी, विपक्ष लोग सामने आएंगे, इन सब चीजों से बचना है, कोई बात नहीं करनी है। तो मैं यही कहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि कल जब ये घेराव शुरू हो, सब लोग अपनी अपनी बात कहें, तो एक प्रतिनिधि मंडल आप बुला लें और उनसे एक सार्थक वार्ता करें। वार्ता वो वाली नहीं हुई कि समिति बना दी, वो निर्णय लेगी और एक एक साल पड़ी हुई है, ये नहीं, आप सार्थक वार्ता कीजिए, सारी बातें करिए, बातों का भी जो भी लब्बो लवाब हो उसको लिख के दीजिए, लिख के वो कार्यवर्त पर जारी कीजिए, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। ऐसे बुला के धरना खत्म कर दे कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि धरना आज आप खत्म कर दोगे, कल खत्म कर दोगे, फिर 5 तारीख वाला आ रहा है, उसके बाद आएगा, कहां तक आप सबको गुमराह करते रहोगे। मिश्रा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ साई जी कह रहे थे, फिर विक्रम सिंह के पास जाएंगे, साई जी कुछ कह रहे थे। हम तो कहना चाहते थे अनुज मिश्रा जी की बातों पर, देखिए सर परिणाम लॉन्च हुआ था 5 सितंबर 2019 लॉन्च किया गया था, जैसे सैटेलाइट लॉन्च होता है, तो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रेरणा ऐप को लॉन्च किया था, उसमें
उसके लॉन्च होने के बाद तमाम शिक्षक संगठन उसमें तालियां भी बजाए थे और बाद में जब समझ आया तो उसका विरोध करना शुरू किए थे। जब प्रेरणा का विरोध हो रहा था तो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय है उसमें उसका प्रयोग शुरू किया गया। तो गलती किसकी थी? पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा, शिक्षा मित्र विरोध कर रहे, शिक्षक विरोध कर रहे, निदेशक विरोध कर रहे, तो आप उसको लागू करा रहे हो, सरकार का सहयोग कर रहे हो, फिर बात करते हो, आरोप लगाते हो दूसरे पर। आप क्यों कर रहे हो जब विभाग में कोई नहीं कर रहा प्रेरणा पोर्टल का उपयोग हाजिरी के लिए, तो आप क्यों कर रहे हो? ये उनसे मेरा सवाल था, लेकिन वो अपनी बात कह के निकल लिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं मिश्रा जी, विक्रम भाई, अनुरोध मिश्रा जी कतई आपके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, मैं बता रहा हूं आपसे। उनको जो कहना था कह दिए। सब जगह अभी जंतर मंतर पर भी थे धरना में, ऐसा नहीं है, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? कि परेशान है, विक्षिप्त होने से काम नहीं चलेगा, अपनी लड़ाई लड़ने से काम चलेगा। विक्षिप्त होकर कोई घूमे रहे, परेशान व्यक्ति मानसिक परेशान भी है, जब 5,000 रुपया मिलेगा क्या, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा ना सर, लड़ना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा थोड़ा हो जाएगा कि आपको ले आके कोई थाली, आप दूसरे पर आरोप लगाओगे। लड़ना है सरकार से, आप पर आरोप लगाओगे शिक्षकों पर, निदेशकों पर, शिक्षा मित्रों पर, तो लड़ाई अपनी लड़नी पड़ेगी। सरकार के प्रेरणा पोर्टल का आपने प्रयोग करना शुरू किया, ये दावे के साथ मैं कहता हूं और ये आरोप लगाता हूं। आप अपनी जो गति है उसके जिम्मेदार स्वयं हो, बाकी तो कोई नहीं कर रहा पोर्टल का प्रयोग। हाँ, एक स्पेशल एजुकेटर सर हमारे विभाग में है, स्पेशल एजुकेटर हर ब्लॉक में एक, जो मानसिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं उनको घूम घूम के हर विद्यालय में जा जा के वो पढ़ाने का काम करता है, और वह भी अपनी उपस्थिति ऑनलाइन देता है। हमारे शिक्षकों के बीच का वो ARP है, SRG है, ये भी अपनी उपस्थिति जो है ऑनलाइन देते हैं। तो ये सब शिक्षकों, कर्मचारियों, शिक्षा मित्रों, निदेशकों के भले के लिए काम नहीं कर रहे। आप खुशमनी में हो सकते हैं कि हमने काम किया, लेकिन उससे एक बड़े समुदाय का आप नुकसान कर रहे हैं, आप मिशन को फेल करना चाहते हैं। तो पहले जो आप ऑनलाइन हाजिरी दे रहे हैं, उसका बायकॉट करिए, बायकॉट करिए। अगर शिक्षक और निदेशक, शिक्षा मित्र आपके समर्थन में नहीं है तो फिर बताइए, अनावश्यक आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, कल के कार्यक्रम में विक्रम जी पूरी मजबूती से आप डटे रहिए, हम सब आपको संबल प्रदान करेंगे, आपको सहयोग प्रदान करेंगे, आपको ताकत देने का काम करेंगे। जी मिश्रा, विक्रम सिंह आगे कल की क्या है तैयारी? क्योंकि कल अब यानी सुबह है और रात में ही आपको अपना तैयारी करनी पड़ेगी और जाना भी पड़ेगा, वहां जाके व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ेगी। कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई है? सर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है ये जी, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। और विनय सर जैसा कह रहे थे और आदरणीय शाही सर जैसा कह रहे थे, हम बिना लिखित लिए इस बार हटने वाले नहीं है। हमको लिखित में मिले क्योंकि आश्वासन और बातचीत बहुत हो गया, और इसलिए उत्तर प्रदेश के अनुदेशक इस बार बना चुके हैं कि हमको जब तक लिखित में नहीं मिलेगा तब तक हम लोग परियोजना कार्यालय से हटेंगे नहीं, चाहे इसके लिए शासन प्रशासन को जो करना हो करे, हमको उठा के जेल में बंद कर दे, हमको गोली मार दे, हमें कुछ भी कर दे, हम लोग इस बार हटेंगे नहीं। ये उत्तर प्रदेश का अनुदेशक मन बना चुका है। और जब आदरणीय शाही सर जैसे, आदरणीय विनय सर जैसे, आदरणीय निगम सर जैसे और S4 का जिस प्रकार से हम लोग को सहयोग और समर्थन मिल रहा है, तो इस बार उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक इस बार कुछ लेकर आएगा सर। यही उम्मीद से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक इस बार जा रहा है सर, क्योंकि 27 दिसंबर को हम लोग के साथ शासन प्रशासन ने धोखा किया। हम लोगों को कहे लोग कि हम प्रमुख सचिव सुंदरम सर से मुलाकात कराएंगे,
लेकिन ये लोग ले जाकर हम लोग को डीजी साहब से मुलाकात करा दिए। हम लोग मुलाकात करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये लोग जबरदस्ती हम लोग की वहां मुलाकात कराए, जबकि हम लोग नहीं चाहते थे मुलाकात करना। तो इस बार इस प्रकार के क्रियाकलापों से हम लोग दूर रहेंगे। इस बार इस प्रकार के किसी भी क्रियाकलाप से हम लोग दूर रहेंगे, और जो भी बातें होंगी इस बार हम लोग लिखित में करेंगे कि हमको लिखित में आप दीजिए, जो भी संभव हो अभी आप आदेश जारी करिए, जो आपके हाथ में है उसको आदेश जारी करिए, बाकी यदि आपको लगता है शासन में भेजना है तो आप हमको लिखित में दीजिए कि हम प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजेंगे। इन इन सब बातों से इस बार का धरना और घेराव हमारा समाप्त होगा, वरना ऐसे इस बार समाप्त नहीं होगा। जी सर, विक्रम सिंह कितने लोग पहुंचने की उम्मीद जताई है, कितने लोगों से बातचीत हुई है, कौन कौन से संगठन पहुंचेंगे, और धरना में कौन कौन मजबूत लोग रहेंगे जो धरना को या घेराव को और मजबूती प्रदान की जाए। सर 75 जनपद से अनुदेशक आ रहे हैं सर, अभी मैं देख रहा था सभी जनपदों से लोग निकलना प्रारंभ कर चुके हैं, और 75 जनपद से अनुदेशक आएंगे सर, और संख्या इतने 27,555 हम लोग की संख्या है जो सरकार मानती है, ऐसे हम लोग की संख्या 25,213 है। और आपने देखा होगा 27 दिसंबर का इको गार्डन में जो धरना 10,000 से 12,000 की संख्या वहां पहुंची थी, लेकिन वहां पर हम लोग के साथ शासन प्रशासन ने खेला कर दिया। तो उन सब गलतियों से हम लोग इस पर सबक लेते हुए कि इस प्रकार की कोई गलती हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा हम लोगों ने सर मन बनाया है और अपनी रणनीति तैयार की है। और हम आदरणीय साई सर, आदरणीय विनय सर से और आदरणीय निगम सर से आग्रह करेंगे कि हम लोग की जो वार्ता हो उसमें आप लोगों का भी सानिध्य प्राप्त हो, आप लोग भी रहें, हम ऐसा चाहते हैं आप लोगों से, चूंकि आप लोग रहेंगे तो हम लोग के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो हम आप सब से निवेदन करेंगे कि आप सब लोग भी उस वार्ता में रहें। जी साही जी, विक्रम सिंह क्या कह रहे हैं कल पहुंचने की, और उसके बाद जब वार्ता हो तो आप लोग साथ रहें। बिल्कुल, हम लोग विक्रम भाई जो भी अपेक्षा हम लोगों से कर रहे हैं उससे बढ़ चढ़ के हम लोग रहेंगे साथ में आपके, और आपका कार्यक्रम सफल होगा, आपके अभीष्ट की प्राप्ति होगी, हमारी ये शुभकामना। विनय जी से बस अंतिम कमेंट, जिस समय हो चुका है विक्रम को भी अपनी तैयारी करनी होगी, कहाँ है हम कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि प्रशासन रोकने में पूरी ताकत दिखाएगा और पूरी ताकत के साथ साथ इस मामले को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। विनय सिंह, हाँ नहीं ये बात तो सही है, शरीर प्रशासन LIU लगी होगी इनके पास, LIU बहुत सारे फोन आ रहे होंगे और इंटेलिजेंस के आ रहे होंगे, तो वो सब तो जरा सा भी कुछ निकल जाता है तो लगातार उन्हें पीछे पड़ जाते हैं। तो इन सब चीजों से हट के और जो हमारा मकसद है जिस पे हमको काम करना है वो हम काम करें, और निश्चित मानिए कि अगर कोई वार्ता की बात आती है तो बिल्कुल मैं आरके निगम है, मैं महासंघ के लोग हैं और हम भी रहेंगे, साहिद जी भी रहेंगे, विक्रम जी के साथी जो भी 2-3-4 लोग भी रहेंगे, हम 10-12-15 लोग रहेंगे वार्ता में, और जो भी जब निगम जी वगैरह रहेंगे जो फसल किसाने की बात होगी तो हम लोग बैठ कर डिसाइड कर लेंगे, जब सब लोग संतुष्ट होंगे तभी कोई निर्णय आगे होगा। तो मैं बिल्कुल विक्रम जी अगर वार्ता की बात आती है और ऐसी स्थितियां बनती है तो निश्चित है कि हम सब लोग आपके साथ। चलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम सिंह का कल जो अपना धरना का या घिराव का जो प्रोग्राम है वो सफल हो और विक्रम सिंह को जीत मिले, विक्रम सिंह नियमित होकर लौटे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राकेश साई जी, विनय कुमार सिंह जी, अनिरुद्ध मिश्रा का सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से गुजारिश है कि अगला प्रोग्राम जरूर देखें कि शेख हसीना कैसे हुई बेघर, चल रहा है लाइव जरूर देखें, क्योंकि ये आपको पता लगेगा कि जब प्रधानमंत्री अपनी जिद पर उतर आते हैं, सरकारें जिद पर उतर आती हैं, तो जनता उनसे बदला लेने के लिए आतुर रहती है। आप सबका सहयोग चाहेंगे, अगला प्रोग्राम जरूर देखें, इस समय लाइव हो चुका है शेख हसीना का जो बेदखल की जा चुकी है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।